नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल YouTube कॉमर्स बाय पाठक सर पर। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जैसा कि हमने शुरू किया था और धीरे धीरे इस चैप्टर से रिलेटेड ये वीडियो नंबर 23 रहेगी। जैसा कि आपने देखा, स्टार्टिंग से हमने थोड़ा थोड़ा सा करके क्या किया है, हमने इस चैप्टर को लिया है और जो बच्चे साथ साथ कर गए उनके लिए चैप्टर आसान भी था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा 12 से 15 मार्क्स का इस चैप्टर अकेला आने वाला है। तो ये लास्ट वीडियो है और इसमें वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जो आप फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी पर रुपए एक्सेस आते हैं वो क्या कहना है, हमने यूटिलाइज करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम के रूप में। ऐसा कब होता है वो सारे के सारे सिचुएशन आज हम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 72 मैं करवा रहा हूं। बुक आपको पता है मेरी हमेशा ही डीके गोयल से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट। क्या कहा उसने, एक्स लिमिटेड ने इश्यू किए 1 लाख शेयर्स इश्यू 1 लाख। एक लाख 50,000 शेयर्स पे
₹500 एप्लीकेशन से 1.50 × 5 कितना आ गया आपका 7.5 लाख रुपए एप्लीकेशन भी आपको रिसीव हुए। देन हमने उनको शेयर्स दिए हैं 1 लाख, ठीक है, हमने उनको शेयर्स कितने दिए हैं 1 लाख। तो हमें रिक्वायरमेंट थी 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन बनी 5 रुपए के अकॉर्डिंग 5 लाख, यानी कि 2,50,000 हमारे पास क्या रहा, एक्सेस रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या कहा, कुछ समय बाद हमने अलॉटमेंट मंगवा लिया 1 लाख शेयर, 1 लाख अपना 7 लाख रुपए अलॉटमेंट मंगवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख एडजस्ट करो, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना क्या बच गया आपके पास, कुछ नहीं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए जो अलॉटमेंट के हैं कैपिटल मनी है, 5 रुपए प्रीमियम, अर्थात 1 लाख × 2 कैपिटल कितनी है इसमें, से जो अमाउंट एडजस्ट किया हमने 2 लाख रुपए, और प्रीमियम कितना है इसमें जो अमाउंट एडजस्ट किया 50,000। ये यहां पर बैंक में आपको मेहनत करके देखना, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, जो अमाउंट एडजस्ट किया था, सपोज करते यहां पर प्रीमियम 4 होगा और कैपिटल 3, तो 3 लाख रुपए से अलॉटमेंट कम है 2.5 लाख, तो सिर्फ इतना ही था एडजस्टमेंट और अलॉटमेंट, ये करने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ कि जो अलॉटमेंट पर कैपिटल मनी है वो तो सारी आई हुई, क्योंकि एक्चुअल में हम फोरफिजन किसका करते हैं, कैपिटल मनी का, ठीक है ना, वो तो सारी आई हुई है, लेकिन कुछ साथ में क्या आ गया है, प्रीमियम भी आ गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जनरल होगी, क्या जनरल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 750 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 750, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 750 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट थी आपकी 5 लाख, तो 5 लाख रुपए आपकी कैपिटल यहां आ जाएगी। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना आ गया आपका, प्रीमियम तो सारे ही ना इस एप्लीकेशन में, तो प्रीमियम नहीं आएगा यहां पर, क्या जाएगी आपके अलॉटमेंट, तो यहां आएगा आपका टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितनी एडजस्ट होगी आपकी 250, ठीक है बात, यहां पर इसको 50,000 का दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहां पर पूरा का पूरा क्या अलॉटमेंट ही एडजस्ट होगा, क्योंकि प्रीमियम भी किसका पार्ट है, अलॉटमेंट का पार्ट। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इश्यू करेंगे, ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितनी अलॉटमेंट मंगवाएंगे 1 लाख शेयर पे 7 रुपए के अकॉर्डिंग 7 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितनी है आपकी 2 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना 1 लाख × 5 5, ठीक है बात। अब हमें निकालना है कि अलॉटमेंट में कितने रुपए आए, अलॉटमेंट में हमने मंगवाए हैं कि 7 लाख रुपए, कितने रुपए मंगवाए 7 लाख रुपए अलॉटमेंट पे हमने मंगवाए हैं, अभी अभी एंट्री ड्यूटी की, जिसमें से 2.5 लाख हमारे पहले आए हुए, कितना रह गया आपका 4.5 लाख रुपए और आने चाहिए थे,
100 कितने हैं आपके? 1 लाख। अप्लाइड कितने हैं? 150 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है? 18। 4 दिनों से यहां जाते हो, कैंसिल हो जाएंगे। 3 × 15 = 18, 600 × 5 = 10, तो कितना आ गया? 1200। सिचुएशन ये बनी कि 1800 शेयर्स को कितने शेयर्स दिए गए हैं? 1200 शेयर्स। 1800 शेयर्स को कितने शेयर्स दिए गए हैं? 1200। अब सेम यही काम करना है जो आपने यहां पर किया। 1800 शेयर्स पे 5 रुपए की अकॉर्डिंग, क्योंकि शुरू में एप्लीकेशन 5 की थी ना, हमें चाहिए 9000। फिर हुआ क्या, शेयर हमने उसको दिए 1200, 5 रुपए के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट थी 6000 की, एक्स्ट्रा सुबह आपका 3000 जो कि एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट 3000। अब 3000 में हम ये देखेंगे कि 1200 शेयर पे 2 रुपए तो थे कैपिटल के, 1200 में 2400 कैपिटल के हो गए और बाकी बचे 600 रुपए किसके हैं? प्रीमियम। तो 1200 का 2400 कैपिटल प्लस 600 रुपए किसके हैं? प्रीमियम। अब हमने अलॉटमेंट में इनसे मंगवाया करना होगा 1200 शेयर से, 1200 शेयर के 7 रुपए के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पे हमने मंगवाया करता है। अलॉटमेंट पर रिक्वायरमेंट बन थी हमारी 1200 × 7 = 800 रुपए, लेकिन पहले से इसके कितने आए हुए हैं? 3000। 8400 में से 3000 घटा दीजिए, कितने रुपए नहीं दिए? वो है 5400 रुपीज उसने पे नहीं किए। तो यहां पर माइनस करते हैं 5400 रुपीज मोर, कितना जाएगा आपका? 4,44,600 अमाउंट आपका आ जाएगा, जो कि क्या मिला हमें? अलॉटमेंट पर मिला। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना? 444,600। 444,600। नेक्स्ट हमने ड्यू करनी है फर्स्ट को इक्विटी शेयर, फर्स्ट को अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए की है? 3 रुपए की। 1,03,000 रुपए, 3,00,000। अब अलॉटमेंट भी नहीं दी इन्होंने, 1200 शेयर ने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। कारण से कि फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट का तो हमने कर लिया, 1200 शेयर पे 3 रुपए फर्स्ट कॉल भी नहीं दिए, यानी कि 3 लाख में से अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर 3,00,000 में से 1200 × 3 3600 रुपए नहीं आए, तो आपके हो गए 2,96,400। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए आए आपके? 2,96,400। तो क्या किया जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 296,400। अब वो कहता है कि इनको फॉरफिट करना है, इन शेयर्स को क्या कर देना है? फॉरफिट। तो आइए फॉरफिट करते हैं। फॉरफिटर में चेंज आएगा यहां पर, ये जो टॉपिक है जो चेंज आने का है वो फॉरफिटर की एंट्री में आएगा, बाकी आपने देखा खास अभी तक अंतर आया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है? 1200 शेयर्स को, सारा का सारा मनी मंगवा रखा है, एक शेयर 10 का था तो यहां कितना आ गया? 1200। दूसरी चीज यहां पर जो डेबिट होती है ये देखना प्रीमियम आया या नहीं आया,
अब तक का जो आपने नॉलेज गेन किया है वो अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया। हम यही बात निकलते थे कि अगर अलॉटमेंट नहीं आई है तो क्या नहीं आया, प्रीमियम भी नहीं आया। बट यहां देखिए 1200 गुना 7,8400 में से 5400 कैपिटल।
कैपिटल रिजर्व कितना 4004। कैसे आए 4000? जो ये 56 अंकड़ा आपका निकला था इसमें से 1600 रुपए जो यूज किए वो माइनस किए तो 4000 आपके आ गए। तो आज ये हमारा तो चैप्टर का लास्ट था। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है लास्ट में प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। आप स्कूल भी आ सकते हो प्रॉब्लम के लिए और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो अब मंडे को आएगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ये जो चैप्टर है मैंने कहा 12 से 15 मार्क्स का अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको शुक्रवार शनिवार और रविवार 3 दिन प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दी। जैसे ही यूपी का कोई प्रोविजन बनता है तो ये चैप्टर यूपी में जरूर रहेगा, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी क्या करें शेयर करें। धन्यवाद।